प्रशासन द्वारा अरसे से शासन की भूमि स्वामी पट्टा योजना के तहत पट्टा देने की कार्यवाही कर रही थी, पर इस योजना में लोगों की कम दिलचस्पी देख जैसे ही अधिकारियों ने इस योजना के तहत दबाव बनाना शुरू किया, वैसे ही दुकानदार इसके विरोध में उतर आए। दुकानदारों का आरोप है कि पखांजो तहसीलदार द्वारा एक दो व्यापारी को रोज बुला उन पर दबाव बनाया जाता है और पट्टा न लेने पर दुकान तोड़ देने की धमकी दी जाती है। कुछ दिनों पूर्व एक व्यापारी पर इसी तरह से दबाव बनाया गया। व्यापारी ने इसकी जानकारी बाजार कमेटी को दी, जिसके बाद बाजार पुराना तथा नया बाजार के दुकानदार इसके विरोध में उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन को नगरवासियों का भी समर्थन रहा और सभी ने आज के बंद का समर्थन कर प्रशासन द्वारा दबाव बनाने का विरोध किया और सभी को निःशुल्क पट्टा देने की मांग की। योजना के विरोध में पखांजू नगर पूरी तरह से बंद रहा और दुकानदारों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप शासन की घोषणा अनुसार निःशुल्क पट्टा देने की मांग की। सरकार का घोषणा पत्र था कि निःशुल्क पट्टा देंगे, जो कि अभी जो सरकार जो पट्टा का शुल्क दर्ज किया इसमें कुछ 10% लोग ही पट्टा ले सकता है, बाकी लोग जो मध्यम वर्ग है निम्न वर्ग के लोग है उन लोग तो पट्टा नहीं ले सकता है। और इसलिए हम लोग आज सरकार के पट्टा के जो नियम है नियम के विरुद्ध में हम लोग मांग यही कर रहा है कि पट्टा सरकार का जो निःशुल्क पट्टा देने का था निःशुल्क पट्टा प्रदान करे। जो नगर पखांजू नगर पंचायत में जितने दुकानें हैं नया बाजार पुराना बाजार नगर के सभी दुकानदारों को तहसीलदार ने बुला बुला कर पट्टा वितरण किया जा रहा है। उसमें जिसका जितना भूमि है जो उसका लागत है उससे बहुत दुगुना तीन गुना चौगुना पैसा वसूली कर रहा है और जो शासकीय भूमि है वो भूमि को दूसरा का नाम से वो कब्जा करके उसको बिक्री कर रहा है। इसी कारण जो सबको जितना गरीब दुकानदार हो जितना बड़ा दुकानदार हो सबको निःशुल्क पट्टा वितरण किया का जो वादा किया सरकार ने वही निःशुल्क पट्टा दिया जाए। इसी कारण हम लोग नया बाजार पुराना बाजार पूरा व्यापारी संघ पूरा मिलकर पूरा बंद रखा हो और आज हम लोग सभी ने पूरा संघ ने पूरा नगर पंचायत का जितना दुकानदार भाई लोग जो भी है सब मिलकर अभी SDM साहब के पास ज्ञापन सौंपा। हम लोग का जो दुकान है पुराना बाजार का, पुराना बाजार का दुकानदार हूँ, 68 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ। उसमें हम लोग को ड्रेन के रहते हुए प्लाट बंटवारा किया गया था। आज घोषणा पत्र में सरकार ने बोले थे सबको निःशुल्क पट्टा बटाया जाएगा, लेकिन अभी तहसीलदार साहब ने बुला बुला के बड़े बड़े दुकानदार को बुला बुला के अलग से एक एक आदमी से पैसा मांग कर और जो कब्जाधारी है पखांजू के अंदर उनके पास भी पैसा का आवेदन किया कर रहा है मांग कर रहा है। हम लोग का मांग है सरकार जो वादा किए थे उस आधार से हम लोग को पट्टा बटा जाए उसमें हम लोग तैयार है। TCB 24 न्यूज़ के लिए पखांजू से बिप्लव कुंडू की रिपोर्ट।